आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड की ऑल न्यू गोरिल्ला 450 के सारे अपडेट्स। कैसी दिखने वाली है भाई, क्या फीचर्स आने वाले हैं, कितना ऑन रोड प्राइस होने वाला है, कब होने वाली है एग्जैक्ट लॉन्च, कब आप बुक करा सकते हो, कब उसकी डिलीवरी आपको मिल सकती है, बहुत इन डिटेल हम आपको हर एक चीज़ आज इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। साथ में एग्जॉस्ट नोट भी सुनाऊंगा उस बाइक का कि कैसा एग्जॉस्ट नोट है, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। मेरा नाम है संगीत का नाम देखने थ्रॉटल 90, लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। जो गोरिल्ला 450 है उसका ऑन रोड प्राइस मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। उसका ऑन रोड प्राइस ऑलमोस्ट आने वाला है 3 लाख रुपये, 3 लाख रुपीज़ जो है ऑन रोड प्राइस अप्रॉक्सीमेटली आने वाला है। और जो गोरिल्ला 450 होने वाली है वो होने वाला है एक नेकेड वर्जन, एक काइंड ऑफ स्क्रैम्बलर वेरिएंट ऑफ हिमालयन 450। हिमालयन 450 यहाँ पर खड़ी हुई है हमारे पास, ये है काजा ब्राउन बेस वेरिएंट है ये हिमालयन 450 का। और जो ये हिमालयन 450 है इसका ऑन रोड प्राइस जो आपको इस समय देखने को मिलता है काजा ब्राउन का अप्रॉक्सीमेटली आपको देखने को मिलता है 3,47,000 रुपीज़। तो लगभग जो है आपको 47,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलने वाला है गोरिल्ला 450 में और हिमालयन 450 में। हिमालयन 450 तो देखो एक प्रॉपर यहाँ पर टूरिंग बाइक आती है, एक प्रॉपर यहाँ पर एडवेंचर बाइक है। जो गोरिल्ला 450 है वो है एक, यहाँ पर बात करी जाए, स्क्रैम्बलर वर्जन ऑफ हिमालयन 452। अब गोरिल्ला 450 जो है उसके अंदर जो इंजन आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी द सेम इंजन ऑफ हिमालयन 450। ये है 452 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन जो पंप आउट करता है 40 bhp पावर और 40 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। 6 गियर आने वाले हैं उस बाइक के अंदर। माइलेज जो है आपको सेम देखने को मिलने वाला है जो आपको यहां पर हिमालयन 452 के अंदर देखने को मिलता है। एग्जैक्टली मैं बताऊं आपको तो सेम इंजन होने वाला है गोरिल्ला 452 के अंदर, गोरिल्ला 450 के अंदर। जो गोरिल्ला 450 है वो इसलिए लॉन्च करी गई बिकॉज पहले आपको बताऊंगा जब हिमालयन 411 आती थी तो उसके साथ स्क्रैम 411 आती थी, अब जो है यहाँ पर हिमालयन 452 की साथ जो है उसे भी यहाँ पर लॉन्च करा जाएगा थोड़े टाइम बाद। डेट जो है कब आप बुक करा सकते हो ये सब चीज़ें अभी हम आगे चल के बात करेंगे वीडियो के अंदर। उसके पहले यहाँ पर और सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। जो सीट हाइट रहने वाली है उस बाइक की वो इससे थोड़ी सी कम रहेगी बिकॉज वो एक स्क्रैम्बलर वर्जन रहेगा, वो एक फुल एडवेंचर वर्जन नहीं होता है कभी भी। तो स्क्रैम्बलर वर्जन की जो है सीट हाइट थोड़ी सी कम रहती है। इसके साथ जो डिस्क ब्रेक रहने वाले हैं फ्रंट में आपको 320 mm डिस्क ब्रेक देखने को मिलने वाला है उस बाइक के अंदर भी विद बाइब्री कैलिपर्स। एंड उसके अंदर जो है आपको यहाँ पर एलॉय एंड स्पोक आई थिंक दोनों व्हील्स के ऑप्शंस देखने को मिलने वाले हैं। वैसे तो आपको जो है मेजरली स्पोक व्हील वाला वर्जन ज़्यादा बिकता हुआ दिखेगा बिकॉज ऐसे व्हील्स थोड़े ज़्यादा बेटर रहते हैं ट्रेल्स वगैरह में, थोड़ा ऑफ रोड फन में। एंड जो व्हील रहने वाला है गोरिल्ला 450 के अंदर वो इतना यूज नहीं रहेगा, जैसे कि इसके अंदर तो 21 इंच का व्हील आता है, उसके अंदर ऑलमोस्ट आपको 18 इंच का व्हील देखने को मिलेगा यहाँ पर अगर हम बात करें। एंड साथ में अलॉय व्हील का वेरियंट आई थिंक होना चाहिए। साथ में अपसाइड डाउन की जगह टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम आएगा, साथ में रबर की कवरिंग आएगी। अब टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम कैसा होने वाला है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम रहने वाला है जैसा आपको यहाँ पर हंटर के अंदर देखने को मिलता है, सेम ऐसी रबर कवरिंग आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हेडलाइट क्लस्टर के बारे में तो हेडलाइट क्लस्टर उसके अंदर एग्जैक्टली यहाँ पर जो है हिमालयन वाली रहने वाली है। हिमालयन के अंदर जैसे ये एलईडी हेडलाइट क्लस्टर आपको देखने को मिलती है, सेम ऐसी एलईडी हेडलाइट क्लस्टर जो है गोरिल्ला 452 के अंदर आपको देखने को मिलेगी। गोरिल्ला 450 जो भी उसका एग्जैक्ट नाम होने वाला है, सेम हेडलाइट क्लस्टर इंडिकेटर्स आपको सेम देखने को मिलेंगे, रियर इंडिकेटर्स जो है आपको एग्जैक्ट सेम देखने को मिलेंगे, टेल लाइट और इंडिकेटर्स इंटीग्रेटेड वाले। इसका मैं हैजार्ड लाइट ऑन करके आपको दिखाता हूँ। सो हैजार्ड लाइट इसका ऑन करते हैं एंड एक बार हैजार्ड लाइट इसका ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हैजार्ड लाइट लेट्स स्विच इट ऑन। तो जैसे आपको यहाँ पर हैजार्ड लाइट और टेल लाइट जो इंडिकेटर और टेल लाइट एक ही उसके अंदर इंटीग्रेटेड देखने को मिलता है, सो ऐसे ही आपको जो है गोरिल्ला 450 के अंदर देखने को मिलेंगे। एग्जैक्टली सेम आपको यही रियर सेक्शन रियर डिज़ाइन देखने को मिलने वाला है उसके अंदर भी गोरिल्ला 450 के अंदर। साथ में जो एग्जॉस्ट डिज़ाइन है वो सेम रहने वाला है बिकॉज मेजर जो है आपको रियर पार्ट में सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। रियर डिस्क ब्रेक जो है मेरे हिसाब से थोड़ा सा छोटा रहने वाला है उसके अंदर, बाकी रोड प्लस ऑफ रोड मिक्स टायर्स देखने को मिलने वाले हैं उस वेरियंट के अंदर भी। डुअल चैनल बेस ब्रेक सिस्टम देखने को मिलेगी। अब बात करें यहाँ पर अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलने वाला है उसके अंदर भी, विच इज़ द कंप्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। दिस इज द कंप्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इनेबल्ड विद गूगल मैप्स और उसके अंदर यहाँ पर सेंटर के अंदर नहीं आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा राइट की तरफ आएगा नीचे की तरफ गोरिल्ला 450 के अंदर। बाकी यहाँ पर जो है सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहने वाला है कंप्लीट डिजिटल वाला विद ऑल द फीचर्स। एंड ये जॉयस्टिक भी आपको देखने को मिलेगी जिसके थ्रू आप इस पूरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर नेविगेट कर सकते हैं, लाइक
अपीयरेंस, ट्रिप प्रेफरेंस, माई व्हीकल सिस्टम, हाँ इन्फॉर्मेशन, फेवरेट्स, एंड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको, मतलब एक प्रॉपर आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ इंजन आने वाला है, आई मीन ये इंस्ट्रूमेंट कस्टम आने वाला है, साथ में आपको गूगल एनेबल्ड मैप भी देखने को मिलेगा। सो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको देखने को मिलने वाली है गोरिल्ला 450 के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। एंड थोड़ा और जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, सो कुछ इस प्रकार से जो है आपको देखने को मिल सकता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इंजन डेफिनेटली ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है हिमालयन का, एंड सेम इंजन आने वाला है, इंजन में कोई भी यहाँ पर मेजर चेंज आपको नहीं देखने को मिलने वाला है। इस इंजन की अच्छी खास बात यह है कि जो आपको 40 NM टॉर्क देखने को मिलता है वो जिस RPM पे देखने को मिलता है हाईएस्ट, दैट इज़ वेरी प्रॉमिसिंग। सो आप किस कोई भी ट्रेल कर रहे हो, आप कोई भी यहाँ पर ऑफ रोड फन कर रहे हो, यहाँ पर टेक्नोलॉजी आई मीन टेक्निकली इफ आई टॉक अबाउट, आप किसी स्लश में भी फंसे हुए हो तो भी आप इजिली जो है उससे बाहर निकल जाओगे। तो ये सब जो है आपको अच्छी क्वालिटी के इंजन में ही चीज़ें देखने को मिलती हैं, साथ में जो है पावर आउटपुट दैट इज़ वेरी गुड। एंड बाकी आपको बताया रॉयल एनफील्ड की सर्विस इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बहुत डिसेंट सर्विस होती है, आप आराम से बाइक को मेंटेन कर सकते हो, पाल सकते हो। सो ये सब जो है बहुत खास बातें हैं। एंड गोरिल्ला 450 एक ऐसी बाइक है जो मैं खुद भी सोच रहा हूँ ओन करने के लिए, मैं एक बार इन पर्सन उस बाइक को देखना चाहता हूँ, अगर मुझे अच्छी लगती है तो डेफिनेटली आई विल बाय इन द फर्स्ट लॉट ओनली। बाकी जो फ्यूल टैंक है उसका इतना बिग नहीं रहने वाला है गोरिल्ला 450 का, इससे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट छोटा फ्यूल टैंक रहने वाला है। अगर मैं बताऊँ आपको कैसा फ्यूल टैंक रहने वाला है, तो हंटर 350 जो आती है इसका ऑलमोस्ट 13 लीटर का फ्यूल टैंक है, ऐसा कुछ डिज़ाइन का आप कह सकते हो, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट, थोड़ा सा आई मीन स्मॉल लुकिंग। बाकी जो है हंटर 350 इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड व्हीकल। लोग सोच रहे थे कि हंटर 450 के नाम से आएगी या स्क्रैम 450 के नाम से आएगी या गोरिल्ला 450 के नाम से आएगी, वो तो अभी पता लगेगा हमें। डेट मैं आपको बताता हूँ कौन सी डेट को वो बाइक होने वाली है रिवील। सो दैट बाइक इज गोइंग टू गेट रिवील ऑन 17th of July, बिल्कुल बस कुछ ही दिन बाकी हैं, 17 जुलाई को जो है वो बाइक रिवील हो जाएगी। एंड ओवरऑल हंटर 450 नाम आता है या फिर गोरिल्ला 450 नाम आता है या फिर हम बात करें स्क्रैम 450 नाम आता है, ये तो उसी तारीख को उसी दिन को हमें पता लगने वाला है। बट यहाँ पर देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या नाम उस बाइक का आ सकता है। बाकी आपको कैसी लगी अभी तक उस बाइक की अपडेट्स, या फिर आप क्या मानते हैं उस बाइक के बारे में, लाइक क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आ सकता है उस बाइक के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गोरिल्ला 450 के लिए, बिकॉज जो शॉट्स आए हैं, जो उस बाइक को चलते हुए हमने देखा है टीजर्स में, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगी है, एंड आई एम वेरी वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट बाइक। बाकी इन रियल चला के देखेंगे, टेस्ट राइड करेंगे, रिव्यू लाएंगे आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी, एंड अच्छी लगी तो ज़रूर हम एक बाइक खरीदेंगे अपने लिए इस साल भी। बाकी आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, अभी अपडेट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। एंड इस बाइक को खरीदने के लिए आपकी मिनिमम सैलरी ऑलमोस्ट 20-25 हज़ार रुपये होनी चाहिए, तभी आप इस बाइक को इजीली मेंटेन कर पाओगे। सो मिलते हैं आपसे वीडियो में, थैंक यू फॉर पार्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो, लर्न भी हैप्पी इनवाइट सेफ, बाय।